हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स मूर्खानंद का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। तभी मामा हलक फाड़ के चीख उठे, अरे मूर्खानंद के बच्चे, यह सब क्या है? मैंने तो तुझे खेत से मूली लाने के लिए कहा था। वही तो लाया हूँ मामा जी, देखिए उस बैलगाड़ी में खेत की सारी मूलियाँ लदी है, और उस बैलगाड़ी में लाला की दुकान से नमक की सारी बोरियां भी लेते आया हूँ, ताकि आपको मूली खाने में कोई परेशानी ना हो। हाय तेरा सत्यानाश हो जाए कमबख्त। मामा को समझते देर नहीं लगी कि मूर्खानंद को फिर काम पर भेजकर उन्होंने स्वयं कितनी बड़ी मूर्खता की है। अरे उल्टी खोपड़ी के मूर्ख, मूली और नमक के साथ साथ तुम यह मटके अर्थी और हकीम वैद्य को क्यों लाए आए? अरे मामा, यह तो मैं अपनी तरफ से आपके लिए सोचकर लाया हूँ। सुनो, जब तुम इतनी ढेर सारी मूलियाँ खाओगे तो तुम्हें जोर से प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तो पानी की भी जरूरत होगी, लेकिन घर में मटके ना होने से पानी कहाँ से आएगा? इसीलिए यह मटके लेते आया हूँ, ताकि पानी की तुम्हें जरा भी किल्लत ना हो। फिर पानी पीते ही तुम्हें दस्त भी जरूर लगेंगे, इसीलिए गांव के सभी हकीम वैद्य को साथ लेते आया हूँ, ताकि तुरंत ही तुम्हारा उपचार भी हो सके। लेकिन मुझे विश्वास है कि यह नीम हकीम और वैद्य तुम्हारे दस्त किसी भी हाल में रोक नहीं पाएंगे और तुम्हारा स्वर्गवास हो जाएगा। इसीलिए मैं साथ में यह अर्थी भी लेते आया हूँ, ताकि तुम्हें शमशान घाट तक पहुँचाने में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। और प्यारे मामा जी, इन सब के पैसे भी मैंने आपके नाम लिखने को कह दिए हैं, वे भी उगाही के लिए आते ही होंगे क्या? सब कुछ सुनकर मामा का पारा हाई हो उठा। तुम सुअर पाजी निकम्मे मूर्ख, और क्रोध की अधिकता से उन पर खांसी का दौरा पड़ गया। खों 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 खों, उन्हें बुरी तरह खांसते देखकर मूर्खानंद एकदम घबरा उठा। आप घबराए नहीं मामा जी, रोने पीटने के लिए, मातम मनाने के लिए भी मैं पूरे गांव वालों से कह आया हूँ, वे भी अभी आते ही होंगे। मूर्खानंद के कहने भर की देरी थी कि लगभग पूरा गाँव ही रोता पीटता वहां आ पहुंचा। हाय लोटा राम, तू तू कहाँ चला गया? बुहू, गाँव वालों की दृष्टि शायद जीते जागते घर के बाहर खड़े लोटा राम पर नहीं पड़ी थी। वे तो यह समझ गए थे कि लोटा राम मर चुका है, क्योंकि मूर्खानंद ने उन्हें उनकी मृत्यु की ही सूचना दी थी, लेकिन लोटा राम जी उन्हें देखते ही गस खा गए और अगले ही पल वे धड़ाम से धरती पर आ गिरे। मामा जी, मामा जी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए और देखिए लोग कितने सद्भावना से आपके पास आपकी अर्थी उठाने आए हैं। लेकिन बेचारे मामा जी आखिर कैसे बोलते, उनका दम तो कभी का खिसक चुका था। जब मामा ने कोई उत्तर नहीं दिया, अरे वैद्य जी, हकीम जी, आप लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से मेरे मामा जी को देखिए। और जब हकीम और वैद्य ने मामा जी का नब्ज टटोला, अरे यह तो मर गया। क्या कहा, मर गए? यह कैसे हो सकता है? बिना मूली खाए यह कैसे मर सकते हैं? फिर मूर्खानंद मामा जी की लाश से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। हाय मामा जी, तुम बिना मूली खाए क्यों मरे गए? मैं भी तुम्हारा कैसा भागा भांजा हूं जो तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। बू हू हू, सभी गांव वाले क्रोध से चीख उठे। इस मूर्ख की वजह से ही लोटा राम जी का देहांत हुआ है, मारो इसे। हाँ, इसे मार मार कर गांव से बाहर निकाल दो। ठीक कहते हो, वरना इसकी मूर्खता से फिर किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गांव वालों की मनसा भापते ही मूर्खानंद जल्दी से उठकर गधे की तारा दुलत्थी झाड़ता हुआ ताबड़तोड़ भाग खड़ा हुआ। पकड़ो मारो, अरे बाप रे, इनका तो दिमाग खराब हो गया है लगता है, अतः भागते रहने में ही भलाई है, वरना यह मार मार कर मेरा कचूमा निकाल देंगे। और प्यारे बच्चों, किसी तरह मूर्खानंद गांव वालों से अपनी जान बचाकर एक दूसरे गांव में पहुंच जाने में सफल हो गया। उह, बाल बाल बचा, वरना उन मूर्खों ने तो आज मामा के साथ साथ मुझे भी नर्क में पहुंचा दिया होता। दूसरे गांव में वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटक रहा था, लेकिन आखिरकार एक सेठ ने यहाँ उसे नौकरी मिल ही गई। सुन रहे मूर्खानंद, हम दोनों शादी में जा रहे हैं, शाम तक ही वापस लौटेंगे, अतः तुम दोनों बच्चों को गर्म पानी से नहलाकर सुला देना, और माँ जी की देखभाल अच्छी तरह करना। ठीक है मालिक, आप जरा भी चिंता ना करें, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। सेठ सेठानी के चले जाने के बाद, चल बेटा मूर्खानंद, पहले बच्चे को नहलाने के लिए चूल्हे पर पानी चढ़ा। फिर मूर्खानंद ने रसोई घर में जाकर एक बड़ा डेग पानी से भरकर चूल्हे पर चढ़ा दिया, और जब पानी खूब अच्छी तरह खौलने लगा, मत रो बच्चों, गर्म पानी से नहाने से तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और उसने दोनों बच्चों को
डेग में खौलते पानी में डाल दिया। अरे कमबख्त, जरा तो सब्र करो, अभी ठीक हो जाओगे। दोनों बच्चे बुरी तरह रोते रहे, लेकिन मूर्खानंद ने उन्हें रोने पर कोई ध्यान नहीं दिया। शीघ्र ही बच्चे उबल कर मर गए, बेचारे रोते रोते ही सो गए। मरे हुए बच्चों को पानी से निकालने के बाद मूर्खानंद ने उन्हें तौलियों से अच्छी तरह पोंछ पोंछ कर बिस्तर पर लिटा दिया। यह दोनों गहरी नींद में हैं, अब चलकर अम्मा की सेवा करनी चाहिए। फिर मूर्खानंद ने उस कमरे में पहुंचा जहां सेठ जी की माँ बिस्तर पर बैठी अपने ऊपर बैठने वाली मक्खियों को उड़ा रही थी। अम्मा जी, दोनों बच्चों को मैंने गर्म पानी से नहला धुलाकर सुला दिया है, अब आप अपना काम बताएं। तू तो वास्तव में बड़ा सयाना है रे। सुन, यहाँ मक्खी बहुत है, पलक तक नहीं झपकाने दे रही है। तू ऐसा कर, मुझे पंखा झलता रह ताकि मैं कुछ देर आराम से सो सकूं, लेकिन खबरदार, एक भी मक्खी मेरे शरीर पर नहीं बैठनी चाहिए। आप चिंता ना करें अम्मा जी, और निश्चिंत होकर सोइए, मैं देखता हूं कि मक्खियाँ आपको कैसे तंग करती है। उसके बाद बुढ़िया सो गई और मूर्खानंद पंखा झेलने लगा। शीघ्र ही, तो यह मक्खी मुझसे मोर्चा लेने आई है। खैर कोई बात नहीं। फिर वो मक्खी जैसे ही बुढ़िया के सिर पर आकर बैठी, फू, उसने उसे फूक मारकर उड़ा दिया। लेकिन वो मक्खी भी बड़ी जिद्दी थी, बार बार उड़ने के बाद भी वो बुढ़िया के ऊपर आकर बैठ जाती। कई बार हटाने के बाद भी वो एक बार फिर बुढ़िया के नाक पर आकर बैठी तो क्रोध से मूर्खानंद का माथा भिन्न उठा। तो तू इस तरह नहीं मानेगी। क्रोध से भरकर उसने इधर उधर देखा तो उसे एक तरफ रखा घना कूटने का मुसला पड़ा दिखाई दिया। आ गई तरकीब, अब मैं इस मुसले से उसका कीमा बना कर ही छोड़ूंगा। मूर्खानंद ने उस मुसले को उठाया और ठहर शैतान की नानी, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। मक्खी पूरी पूरी हठी पूरी हठी धर्मी थी। मुसला उठाए मूर्खानंद को आते देखकर भी वो नाक से टस से मस नहीं हुई। यह देखकर मूर्खानंद ने पूरी ताकत से उसे मारने के लिए मुसला बुढ़िया की नाक पर दे मारा। बुढ़िया एक बार जोर से चीखी और फिर वह बिस्तर पर ही टें बोल गई। आई! लेकिन मूर्खानंद बुढ़िया की और कोई ध्यान ना देकर मक्खी के पीछे दौड़ा, जो बचकर एक तरफ उड़ चली थी। मेरी मालकिन की नींद खराब करने आई थी शैतान, अब मैं पाताल में भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वह मक्खी को नहीं मार पाया और वह घर से निकलकर दूर उड़ गई। कमबख्तनी डर कर भाग गई। खैर, फिर आएगी तो हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा। फिर वह वापस लौट कर बिस्तर पर मृत पड़ी बुढ़िया को पंखा झेलने लगा। अब आप निश्चिंतता के साथ सोइए अम्मा जी, मेरे रहते अब कोई मक्खी आपके निकट नहीं आएगी। शाम को जब सेठ सेठानी शादी से वापस लौटे, हाय मेरे लाल, उस मूर्ख ने इन्हें मार डाला। हाय मेरी माँ, इसे भी उस शैतान ने मार डाला। शीघ्र ही सेठ सेठानी की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां एकत्रित हो गए। क्या हुआ सेठ जी? अरे हुआ क्या, इस शैतान ने हमारे दोनों बच्चों और माँ की जान ले ली। बहू, हाय हम लूट गए, बर्बाद हो गए। बहू, सारी बात सुनकर सभी मूर्खानंद पर पिल पड़े। ठहरिए, मेरी बात तो सुनिए। ओ, मूर्खानंद खूब चीखा चिल्लाया, लेकिन किसी को उसकी एक ना सुनी और मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। भाइयों, यह कोई मूर्ख पागल लगता है, इसे तुरंत पागल खाने पहुंचा देना चाहिए। ठीक कहते हो, यदि यह आजाद रहा तो ना जाने कितने लोगों की जान ले लेगा। और लोगों ने उसे पागल खाने पहुंचा दिया। ही हु, जाओ इनके साथ तुम भी उछलो नाचो। हे भगवान, गांव वालों ने तो मुझे वास्तव में पागल खाने पहुंचा दिया। जैसे ही वह उछलते कूदते पागलों पागलों की दृष्टि उस पर पड़ी, उन्होंने उसे घेर लिया। अरे तुम उदास क्यों हो प्यारे भाई, आओ आओ तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ और हमें अपनी कथा सुनाओ। अरे भाई, अपनी उदासी की मैं क्या कथा सुनाऊं, मैंने अपने मालिक की आज्ञा का पालन पूरी ईमानदारी और लगन से किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी सेवा का आंख ना भाई मेरी सेवा एक आंख ना भाई और उन्होंने मुझे तुम पागलों के बीच भेज दिया। क्या कहा, हम पागलों के बीच भेज दिया? क्या हमें पागल कह रहा है? मारो साले को। और इससे पहले कि मूर्खानंद कुछ समझ पाता, सभी पागल उस पर बुरी तरह से पिल पड़े। भुर्ता बना दो साले का, बचाओ। हाँ, मुझे बैगन का भुर्ता बहुत अच्छा लगता है, जल्दी खिलाओ मुझे भुर्ता। लेकिन तभी वहां डॉक्टर और वार्डन आ गए। ही हो गया है लाला, जल्दी से इसे अस्पताल ले चलो वरना मर जाएगा। तुरंत मूर्खानंद को अस्पताल ले जाकर उसका उपचार किया गया और जब उसे होश आया, हाय हे भगवान, तूने मुझे इतना बुद्धिमान क्यों बनाया कि सब मुझसे ईर्ष्या करने लगे सब। लेकिन बेचारा मूर्खानंद क्या जानता था कि दुनिया में उससे बढ़कर मूर्ख और कोई नहीं था। समाप्त।
चलिए दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब करते हैं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स प्रस्तुत करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।